नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कई आरोप सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। उनका साफ तौर से कहना था, देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बनकर रह गए। वहीं उनका कहना था 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं क्योंकि राशन ले रहे हैं। साथ ही उनका कहना था समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हमारा फोकस सीमावर्ती 57 सीटों पर ज्यादा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। आज देश के 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, गरीबी रेखा का राशन कार्ड ले रहे हैं। अब केवल देश में 55 करोड़ लोग बचे हैं जो सरकारी राशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक एक करके कई आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी, हमारा फोकस उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाली 57 सीटों पर खास तौर से रहेगा, जिसकी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। जैसे ही विधानसभा चलेगी हम विधानसभा का घेराव करेंगे। ये कहना था समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल का। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान रामायण सिंह ने क्या कुछ कहा। आज सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम जनता के बीच में ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ किस तरह धोखाधड़ी कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केवल घोषणा करते हैं और घोषणा के बाद कोई भी उनकी घोषणा जमीन पर नहीं उतरती। खास करके जो मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्मचारी एवं अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। मध्य प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी सब निरंकुश हो करके और भ्रष्टापूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश में दौरा करते हैं और जहां उनको कोई गड़बड़ियां समझ में आती हैं तो वो सीधे छोटे कर्मचारियों को, पटवारी को, आरआई को और बाबू को सस्पेंड करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जो कर्मचारी अधिकारी गड़बड़ी करते हैं, इन मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। और अगर कलेक्टर और एसपी सस्पेंड होते हैं तब जनता के उसमें संदेह जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी नियंत्रण कर रहे हैं और सारे अधिकारी और कर्मचारी सभी डर करके काम करेंगे कि हम कोई गड़बड़ी न करें। हमारे प्रधानमंत्री जी तो देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में ले आए, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन पानी दे रहे हैं। केवल 55 करोड़ लोग ही अब बच रहे हैं जो कि राशन से प्रधानमंत्री जी के दूर हैं। और प्रधानमंत्री जी तो देश की सारी संपत्तियों को बेचने का ध्यान दे रहे हैं और बेचने में ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव प्रचार के समय में ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री न होके ये प्रचार मंत्री हो गए हैं, इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं। कभी भी आज तक का रिकॉर्ड 75 साल का देखा जाए, कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह चुनाव प्रचार नहीं किए। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हम अभी विधानसभा चालू होने वाली है, अभी हमने कल एक कॉल किए हैं कि हम विधानसभा का समाजवादी पार्टी घेराव करेगी। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही निर्देश हुआ है हमको और तैयारी करने के लिए हमको निर्देशित कर दिया है कि आप मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।